हुआ है मेरे पास रिकॉर्ड हुआ, जैसे जी जी कोई ऊपर आए वापिस नीचे गए हम लोगों को देख के, वो डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट के साइड में पिलर के पास, मेरे को डर लग रहा है। साथ है, साथ है बाबा, साथ ना, रुके, रुके, साथ, रुके। साथ 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 आ, मैंने देखा, मैंने देखा, बिल्कुल देखा मैंने, कहा रिकॉर्डिंग हुई थी, वही था कैमरा। जी जी मेरा कैमरा वहीं पे ही है। कौन है? मैंने खुद अभी अभी वही था कैमरा, मैंने खुद देखा सुल भाई, ये पिलर के साथ, पिलर के साथ दो दफा, एक भी नहीं। अच्छा, यकीन करे मैंने देखा पिलर के साथ कोई था, ऊपर आया और नीचे हुआ। जी मेरे पास आया है, अल्लाह के रिकॉर्डिंग में ये चेक कीजिएगा जी, ये मैंने खुद देखा है कोई ऊपर होके नीचे हुआ था। एक दफा भी नहीं, दो तीन दफा बोल भाई, फिर ये दो से तीन दफे के हम पे हमला तो नहीं करेगा ये? हाँ, मेरे को खुद ही डर हो रहा है। नहीं नहीं साथ है पापा, अभी तो साथ है, वो इंसान पे तो नहीं किया ना उसने हमला अभी तक। नहीं अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शेकिंग यार, मैंने खुद देखा वैसे, मुझे लग रहा था पहले पौधे हैं लेकिन वो पौधे नहीं थे, पौधे ही समझा ऐसे, बकायदा कोई सर उठा है ऊपर और नीचे हुआ है। बस थोड़ा सा होशियारी से आज काम करना है यार, देखभाल के इसे रिलीज कर, इसे छोड़ दें आपको बाहर तक। चलो लाइट जब पड़ती है ना आपकी, तो चीज हट जाती है। अच्छा वो मैं समझ रहा हूँ काफी देर से, हाँ मैं भी भाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, आ जाए आ जाए आ जाए, फिक्र की बात नहीं भाई, आ आप आइए हमारे यहाँ। आपने कुछ देखा है? मैंने भी देखा था, सर ऊपर करके बैठा हुआ था अभी, अभी तो सर देखा, लेकिन उससे पहले उस बला को देखा है कभी? अभी नहीं, अभी देखा था, तुमने देखा, मैंने भी देखा। वो उसी को ही समझ रहे हैं सर पे, लेकिन मेरे को भी शक हो रहा है, वो ही है, वही है। जी और कौन होगा सर पे, और कौन, एक बात बताएं, 10-15 फुट की हाइट पे कौन होगा? और ये हाइट दिखाएं दीवार की सामने, ये पीछे वाली जो है, पीछे वाली वो देखें, वो देखें पीछे वाली, 15 फुट से ऊपर, वो देख रहे हैं 10 फुट तो कहीं नहीं गई ना, 10 फुट तो 10 फुट से ऊपर कौन देखेगा? इधर है कौन आसपास जंगल में, कौन आएगा? मकसद है कि हम बहुत ज्यादा मोहताज होकर चले हैं आज। खैर खैर खैर, चले फिकर नहीं भाई, आगे आएगा आएगा ये आएगा सर, बस ये आएगा, इस भाई को रिलीज करते हैं, आ जाए भाई, उनको टेंशन नहीं, बात बहुत ज़्यादा बात ये है, ये तो कह रहे हैं ठीक है कि उसने यहाँ किसी इंसान पर हमला नहीं किया, लेकिन मैंने अभी एक वाक्य शेयर किया, पिशावर के इलाके से आया है बच्ची पे, जो बच्ची पर जो हमला आपने देखा होगा SSD में, उसका भी खून चूस लिया गया, खाया नहीं गया, एक दिन बाद मिली है वो बच्ची, वो मरे भी खेतों से, अलग में, और एक सिर्फ खून गायब, खून नहीं है उसमें, कुछ नहीं खाया गया उसका। कौन सा जानवर है सोल भाई? यही है आज तक कभी इंसान पे हमला किया नहीं था उसने। ऐसा नहीं सर भाई कि ये पिछले
दो चार सालों में इनकी तादाद बढ़ रही है, वाकयात भी बढ़ रहे हैं। यार दुनिया में तो 1970 से ये मसाइल चल रहे हैं, लेकिन अब जो है ना यहाँ पर ये चीज़ बढ़ रही है। उसके अलावा कोई ऐसा देखें, वो और गवाह भी थे लोग, चार पांच बच्चे खेल रहे थे फसलों में जी। बाकी चीखों पुकार करके भाग गए, कह रहे थे कोई बड़ी सी मखलूक आ गई अजीब सी, वो बाकी भाग गए और वो बच्ची गायब थी वहाँ से। एक दिन लगा ढूंढने में, एक दिन बाद मिली, कुछ नहीं खाया गया। खून नहीं था बॉडी, कैसे? ये तो हुकूमत को कुछ करना चाहिए। कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, वाइल्ड लाइफ आपका, फोर्सेस आपकी, हर कोई लगा हुआ है, सब लगे हुए हैं। लेकिन ये फाइंडिंग है ना, ये शायद हमारे प्रोग्राम से उनको पता चले कि शायद ये मिट्टी में रहता है। मैं ये बात कह रहा हूँ आज तक हम किस नतीजे पे पहुंचे थे कि जहाँ पानी होता है ना करीब, ये वहां रहता है। वजह, जहाँ पानी होता है शायद वहाँ मिट्टी नरम होती है, शायद मिट्टी गीली होती है। जैसे यहाँ अभी बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो चुकी है, हमें क्या लग रहा था पानी में से आता है। पानी जहाँ करीब होता है ना, जहाँ मिट्टी नरम होती है, शायद ये वहां से आता है। और ये शायद अपने ऊपर खुद ही घड़ा खोद के मिट्टी ओढ़ लेता है। देखें बर्फानी रीछ, दूसरे रीछ 6 महीना खाते हैं और 6 महीने के लिए हाइबरनेटिंग मोड पे चले जाते हैं ना, बिल्कुल हाइबरनेटिंग मतलब वो छुप जाते हैं अपने आप को, एक जगह पे रिजर्व हो जाते हैं, एक जगह पे निकलते नहीं है, उस जगह बंद कर लेते हैं। क्या ये बारिशों में या इस सीजन में निकलता है बाहर? क्योंकि अब तक हमारे साथ तो ये थी, क्योंकि हर साल इसी सीजन के अंदर चीज सामने आती है। याद है कामरान भाई गन लेके बैठे थे, और हम तो कुछ और सोच के आए थे शायद, लेकिन ये यार दो तीन बार हमने रिकॉर्ड किया किसी को ऊपर उठते हुए नीचे जाते हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये हमारे जाने का वेट कर रहा है। बिल्कुल सज्जद भाई, ये लाइट की वजह से, आपको वहाँ पे भी याद होगा ना जब मुक्के में बैठे थे, लाइट की वजह से ये नहीं आ पाया, नहीं आ पाया हमारे पास। हालांकि जानवर बंधे हुए थे, बंधे हुए थे सब चीज। यार कोई जानवर ठीक हो आप? सही हो? लिया जी, जानवर को बांध के भी देख लिया हमने, क्या मतलब कई लोगों ने घात लगा के देख लिया। ये तो नहीं साहब कि हमें मेरी ये लाइट में बंद कर दूं और मोबाइल की लाइट में हम शूट करें। इसका एक हल निकाला था हमने कि ऐसे पिंजरे में बनाए, ऐसे जाल में बनाए, जैसे शेरों को या दूसरों को, बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए बड़े पिंजरों के अंदर लगाया जाता है ना घात, वैसे लगाया जाए, खुद ना हो वहाँ पर। आप खुद होंगे तो कभी नहीं आएगा। उन्होंने भी तो एक पिंजरा बनाया था दिखाया था, हाँ उसमें भी नहीं आया, उसमें भी नहीं आया, यानी कि बहुत ज्यादा चला गया।
हुए आप अमरान भाई? ये भेड़ियों के रोने का आवाज सुन पे, वो देखिए ऊपर, वो देखिए ऊपर, देखा था कमरान भाई कैमरे में है। तौबा, मुझे कुमारी याद आ गई यार। सुन पे लाइट में नहीं नजर आया, कैमरे में नजर आया बगैर लाइट के। कोई खड़ा हुआ था? जी जी सुन पे भेड़ियों के रोने का आवाज सुन पे, वो देखिए ऊपर, वो देखिए ऊपर, देखा था कमरान भाई कैमरे में है। तौबा, मुझे कुमारी याद आ गई यार। जी, ये सामने खिड़की में था ना कोई, कमरान भाई रिकॉर्ड हुआ है? यार सुलभ, आपको लाइट जाती है ना? यार नहीं सजाद भाई, ये लाइट के ऊपर है, ये 100% लाइट के ऊपर है। मतलब ये लाइट जैसे सोहेल भाई की जाती है वो चीज गायब हो जाती है, ऊपर ही है ना। देखते रहना आसपास भी।